स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइडल को, प्रिपरेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। तो कोलाइडल बनाने के हमारे जो भी मेथड हैं, फर्स्ट हमारा मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशंस, मैकेनिकल मेथड्स, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस मेथड्स, और आपका एग्रीगेशन मेथड, या आपका क्या हो जाएगा एग्रीगेशन मेथड, या हम इसको बोल देंगे आपका कंडेंसेशन मेथड्स, ठीक है, या केमिकल मेथड भी, हमने इसके अंदर केमिकल मेथड पढ़ना पेप्टाइड। तो हमारे कौन कौन से मेथड है, मैकेनिकल मेथड्स, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड्स, पेप्टाइजेशन मेथड और एग्रीगेशंस। तो ये आपके दोनों के दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लगभग वन मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं के ऊपर आता है, ध्यान रख लेना। आपका क्या है, पेप्टाइजेशन और एग्रीगेशन। तो स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल मेथड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड क्या होता है, आपके घर में जो जैसे मान लीजिए आटा चक्की होती है जिसको मील बोलते हैं, कोलाइडल मील होता है। तो इलेक्ट्रो हमारा जो है मैकेनिकल मेथड के अंदर जो आटा जो चक्की होती है उसी की तरह काम करते हैं, उसके अंदर दो डिस्क होते हैं। इसमें भी जो हमारा ये मील है जिसको हम बोलते हैं कोलोइडल मील्स, मील, ठीक है ना, कोलोइडल मील। तो कोलोइडल मील के अंदर भी क्या होते हैं, आपकी एक मील है जिसके अंदर क्या होते हैं, दो व्हील होते हैं, एक आपका ये व्हील है और एक आपका ये व्हील है। ये क्या हो रहा है, दोनों को साफट से क्या कर रखा है, हमने कनेक्ट कर रखा है, ये होलो साफट है, साफट से हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट करके इसके ऊपर बेल्ट लगा रखा है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों व्हील अपोजिट डायरेक्शन में रिवोल्व करेंगे, ठीक है ना, ये आपका इधर रिवोल्व करेगा, ये आपका इधर रिवोल्व करेगा, ठीक है। तो दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में रिवोल्व करते हैं, लगभग आपका क्या होगा 7000 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड्स, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये 7000 रिवोल्यूशन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाई स्पीड के अंदर आपके रोटेट होते हैं, और यहाँ से हम क्या डालते हैं, जो भी हमें सस्पेंशन डालना होता है, क्योंकि आपको पता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, तो हमें उनको रिड्यूस करना, उसके चार्ज को, साइज को रिड्यूस करना। जैसे ही यहाँ से डालेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे आटा चक्की होती गेहूं को स्मॉल साइज में रिड्यूस कर देती, उसी तरह ये क्या होता है, जो सस्पेंशन हमने डाला है वो सस्पेंशन इसमें से जैसे ही पास होगा तो यहाँ पे दो जो व्हील लगा रखे हमने, ये इनके बीच में आके डिस्चार्ज हो जाएगा, इनके बीच में आके डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वो आपका किसके साइज का हो जाएगा, कोलाइडल साइज का हो जाएगा। उसके बाद हम उसको डिस्पर्स मीडियम में डाल देंगे, और डिस्पर्स मीडियम में डालने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, डिस्पर्स मीडियम में डाल देंगे, और डिस्पर्स मीडियम में डालने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, कोलाइडल प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड हमारा मेथड इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट हमारा क्या था, मैकेनिकल मेथड, सेकंड क्या, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। नाम से पता चला इलेक्ट्रो मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, डिसइंटीग्रेशन का मतलब उसको रिड्यूस कर देंगे, उसके साइज को रिड्यूस कर देंगे। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है थोड़ा सा, ये मेथड क्या है, इसके अंदर हम एक बड़ा सा आपका क्या ले लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर फिर हम छोटा कंटेनर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और छोटे कंटेनर के चारों तरफ आइस के बर्ग डाल देते हैं, आइस के टुकड़े डाल देते हैं, और क्या होता है, इसके अंदर हमने डिस्पर्स मीडियम ले लेंगे, ये वाला जो आपका आइस को हम क्या ले लेंगे, डिस्पर्स मीडियम ले लेंगे, और डिस्पर्स मीडियम में क्या करेंगे, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड ज्वाइंट कर देंगे, और जिस भी चीज़ का हमने सस्पेंशन बनाना है, जिस भी चीज़ का सस्पेंशन बनाना है, उसको हम एज ए यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क की तरह कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आर्क लगा देंगे। जो भी ज़्यादातर ये जो आपका मेथड होता है ये मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मेटल के लिए यूज होता है, जैसे AU है आपका, है सिल्वर है, और भी काफ़ी सारी जो मेटल है जिनके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका यूज होता है, जैसे गोल्ड सोल होता है, आई लोशन में यूज होता है, आई की जो ड्रॉप होती है उसको बनाने में यूज होता है। तो ये मेथड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई मेटल की वायर ले लेंगे, मेटल इलेक्ट्रिक आर्क ले लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर एकदम से हम करंट, जैसे ही करंट पास करेंगे यहाँ पे, आपकी बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, जैसे ही इसमें से करंट पास करेंगे, तो करंट पास करेंगे तो क्या होगा, एकदम से स्ट्रक, जैसे ही करंट स्ट्रक करेंगे हम यहाँ से, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्ट्रक थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क, देन देयर इज ए लार्ज कंडेंस हीट इज प्रोड्यूस, यहाँ पे काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस होगी। आपको पता है जब भी स्पार्किंग होगी तो दोनों वायर को हमने कनेक्ट करके तो स्पार्किंग होगी, एकदम से ये वेपर में बदल जाएगा, और वेपर में बदलने के बाद ये चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद वेपर की फॉर्म में, ये किस में स्प्रेड हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में,
और आपको पता है चारों तरफ आपका जो ले रखा हमने क्या है, आइस ले रखा, तो ये क्या होगा, मीडियम काफी कूल है, तो जैसे मीडियम वेपर आपके जैसे चारों तरफ फैलेंगे मीडियम के अंदर, तो मीडियम आपका क्या होगा, बिल्कुल कूल होगा, जिसके कारण ये वापस किसके साइज के हो जाएंगे, कोलाइडल साइज के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कोलाइडल साइज के हो जाएंगे। बस इस मेथड के द्वारा हम यूज करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मेटल होती हैं करंट आपका इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेती, क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। आपको पता है मेटल अगर वेपर की फॉर्म में हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या करे, एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेती है, और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगी जो मेटल है, तो उसके अंदर जो आपका जो चार्ज होगा मेटल सोल के ऊपर, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं फिर बता रहा हूँ नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, जो भी आपकी मेटल की सोल होती है, क्योंकि मेटल के जो वेपर बनते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, एनवायरनमेंट से जो भी मीडियम में जहाँ भी मिलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद खुद को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा हो कभी भी जो आपका मेटल के जो सोल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव सोल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सेकंड मेथड, थर्ड मेथड हमारा क्या, पेप्टाइजेशन, ठीक है ना, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड आपका ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो पेप्टाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा पेप्टाइजेशन मेथड होता है उसके अंदर देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस, एक प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट इनटू द कोलाइडल बाय यूजिंग ए स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक ये हमने ले लिए Fe, आपका क्या ले लिया, OH3, ये हमने क्या ले लिए, आपके प्रिसिपिटेट ले लिए, प्रिसिपिटेट हमने ले लिए इनको, हमने PPT ले लेते हैं। अब आपको पता है प्रिसिपिटेट हमेशा क्या होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर, तो वाटर में क्या होंगे, इनसोल्युबल होंगे। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपका ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जैसे आपने डाल दिया FeCl3 या जो भी है Cl2, तो क्या होगा, जो आयन कॉमन है, ठीक है ना, इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, जो आयन कॉमन है ये वाला आपका आयन दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, अड़जोर हो जाएगा इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, अड़जोर, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये आपका मान ले सपोज के हमने ये आपका क्या था FeOH3, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका कॉमन आयन है दोनों में, जो इलेक्ट्रोलाइट में और आपका जो पिपेट में जो भी कॉमन आयन है, जो प्रिफरेंसली अड़जोर दैट आयन विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन टू द प्रिसिपेट, जो आपका प्रिसिपेट में प्रेजेंट है उस वो ही आपका इलेक्ट्रोलाइट से आपका क्या होगा, इसके ऊपर अड़जोर हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ NaCl, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर Cl है और Na है ना, तो इसमें Na पॉजिटिव है और ना Cl है, तो इसलिए ये आपका एज ए स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे ये आपका Fe3 पॉजिटिव को अड़जोर करेगा, तो 3 पॉजिटिव को अब्जोर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिसिपेट के पार्टिकल है, तो प्रिसिपेट के पार्टिकल है, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये आपका अड़जोर होगा, तो इनके ऊपर अड़जोर हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा आयन अड़जोर हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा मान लें सेकेंड कोई मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, आपका एक मॉलिक्यूल और है यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम में, ये भी क्या है, FeOH3, ठीक है, ये कुछ प्रिसिपिटेट और है, तो इनके ऊपर भी कौन अड़जोर हो जाएगा, इनके ऊपर भी आपका क्या अड़जोर हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका क्या होगा, प्रीवियसली इसके ऊपर अड़जोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, आपको दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन होगा, तो वो पार्टिकल है वो अलग हो जाएंगे सेपरेट। देखो दोबारा समझाता हूँ, क्या होता है, एक हम प्रिसिपिटेट ले लेंगे, प्रिसिपिटेट के अंदर जैसे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो आपका प्रेफरेंसली अड़जोर कौन होता है, जो ऑनली आयन कॉमन है दोनों के अंदर, तो इनके अंदर Fe कॉमन है, तो क्या होगा, Fe इसके पार्टिकल के ऊपर अड़जोर हो जाता है, ये आपका है इसका जो पार्टिकल है प्रिसिपिटेट का, ये क्या था हमारा, ये कहाँ से आया है, ये आया है प्रिसिपिटेट से, पिपेट से, और ये कौन सा कहाँ से आया, ये आया हमारा इलेक्ट्रोलाइट से, क्या है, ये Fe3 पॉजिटिव, तो ये कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट से,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से हमारा आया, तो ये क्या हुआ प्रेफरेंशियली इसके सरफेस के ऊपर एडजोर हो जाएगा इसके दूसरे पार्टिकल, क्योंकि काफ़ी सारे आपका प्रेसिपिटेट है, हर एक पार्टिकल है वो प्रेफरेंशियली हर एक के ऊपर एडजोर हो जाएंगे। जब सभी के ऊपर एडजोर होंगे तो सभी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने के बाद वो क्या करेंगे, सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो पूरे डिस्पर्स मीडियम में एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, पूरे डिस्पर्स मीडियम में फैल जाएंगे। पहले वो प्रेसिपिटेट थे, प्रेसिपिटेट का क्या होता मास ज़्यादा होता इसलिए बॉटम में बैठ जाता, लेकिन अब वो बॉटम में नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा पूरे डिस्पर्स मीडियम में, क्योंकि छोटा साइज होगा उसका, अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, वो छोटा साइज है और एक दूसरे को रिपेल कर ले इसलिए पूरे डिस्पर्स मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और ये किसका काम करेगा हमारा एज ए कोलोइडल का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी का भी बना सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे से आप बता सकते हो कि जैसे मैंने लिया, मैंने आपका, मैंने इसमें ले लेता हूं Fe(OH)3 प्लस में मैंने डाल दिया, इसके अंदर हम डाल देंगे NaOH, तो बताओ किस टाइप का सोल बनेगा, तो आप बता सकते हो किस टाइप का सोल बनेगा, वो हमारा पॉजिटिव सोल था। यहाँ पे देखो सोल कैसे बनेगा, आपको पता है इसके अंदर ये तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है OH, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर कौन एडजोर होगा, अब क्या हो जाएगा जो आपका Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe(OH)3, अब इसके ऊपर एडजोर कौन होगा जो आपका किस में है, जो आपका सेम चार्ज OH पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिस द काज ऑफ पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये कैसा सोल होगा नेगेटिव सोल, पहले वाला हमारा कौन सा सोल था पॉजिटिव सोल, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा नेगेटिव सोल। तो आपने देखना है जो कॉमन है दोनों में, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट्स आपने देखना है, और ये हमारा क्या है प्रेसिपिटेट, तो दोनों में जो कॉमन है वही आपका इसके ऊपर एडजोर होगा, ये आपको ध्यान रखना, और उसी हिसाब से आपका सोल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या था पेप्टाइजेशन प्रोसेस। थर्ड मेथड एग्रीगेशंस मेथड आपका है, जिसके अंदर हम एग्रीगेट करते हैं, आपके वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है उसके अंदर हम क्या ले लेंगे एग्रीगेशन मेथड हमारा क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर लेके चलेंगे केमिकल मेथड्स, केमिकल्स मेथड्स। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एनसीईआरटी में, ये आपका दे रखा है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के अनुसार ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके अंदर रिएक्शन भी है, ठीक है ना, इसमें से कोई पूछ लेंगे। तो फर्स्ट हमारा डबल डिकम्पोजिशन मेथड, इसके अंदर फर्स्ट हमारा है डबल डिकम्पोजिशन मेथड्स, डबल्स डी कम्पोजिशंस मेथड्स इसके अंदर, ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ले लेते हैं ए। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपने आर्सेनिक लिया, आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3, अब इसमें से जैसे ही हम कोई गैस पास कर देंगे, ठीक है ना, तो हमने इसमें से H2S पास कर देंगे, H2S पास करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा डबल डिकम्पोजिशन लिखा हो लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा As2S3 और प्लस में क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये आपका क्या है अब किसका काम करेगा कोलोइडल्स का, कोलोइडल्स का, ठीक है कोलोइड्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोलोइड्स। सेकंड अगर हम मेथड पढ़ेंगे, सेकंड अगर हम ले रहे हैं, फर्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन मेथड और सेकंड हमारा हो जाएगा रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड्स, बाय रिडक्शन मेथड्स, रिडक्शंस मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी हमारा है जैसे गोल्ड है, हमने गोल्ड सोल बनाना है, तो हमारा मेथड वो था गोल्ड सोल बनाने का, इसके अंदर हम क्या करते हैं जैसे हमने लिया AuCl3 ले लेंगे, AuCl3 ले लेंगे, इसके अंदर से हम SnCl2 पास कर देंगे प्लस में SnCl2, तो क्या होगा 2, 3 हम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्या बन जाएगा गोल्ड सोल AuXols, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा एक्वस या हमारा जो भी है सोल बन जाएगा, इसको हम सोल लिख देते हैं, ये क्या बन गया सोल्स,
ठीक है ना, प्लस में ये क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा SnCl4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 3, ठीक है, बैलेंस करना है। तो सेकंड हमारा मेथड हो जाएगा बाय रिडक्शन, इसको हम रिड्यूस कर देंगे, इसके ऊपर पहले प्लस 3 था, अब क्या होगा 0, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ रिडक्शन, तो इसको हम रिडक्शन मेथड के द्वारा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम आर्सेनिक ऑक्साइड में से H2S गैस पास करते थे, क्या बनता हमारा AS2O3। सेकेंड हमारा क्या, बाय रिडक्शन ऑफ द मेथड, इसके अंदर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा गोल्ड क्लोराइड होता है उसके अंदर से हम पास कर देते हैं SN क्लोराइड्स, और आपका पता है कि SN क्लोराइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा, तो SnCl2 से क्या बन जाएगा SnCl4। तो इस तरह हम इस सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। थर्ड मेथड है बाई ऑक्सीडेशन मेथड्स, थर्ड मेथड है हमारा बाई ऑक्सीडेशन मेथड्स। देखो ऑक्सीडेशन मेथड से हम कैसे बना सकते हैं, केमिकल मेथड हम पढ़ रहे हैं, बाई ऑक्सीडेशन मेथड्स, थर्ड हमारा है बाई ऑक्सीडेशन मेथड्स, बाई ऑक्सीडेशन मेथड्स। इसके अंदर इस मेथड में हम क्या करते हैं, आपका जो भी होता है उसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जैसे हमने ले लिया H2S ले लेंगे, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ले लिया H2S, H2S गैस को पास करेंगे ब्रोमीन में से, Br2 में से, तो क्या हो जाएगा आपका सल्फर सोल अलग हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा सोल, ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा, सोल का मतलब कोलाइडल ही होता है, कोलाइडल की फॉर्म है, जो हमने कल पढ़ी थी कोलाइडल की 8 फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म आपकी सोल है, ठीक है ना, ज़्यादातर हम सोल ही पढ़ते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा HBr, तो इस मेथड के द्वारा भी बना सकते हैं। फोर्थ हमारा मेथड है बाई हाइड्रोलाइसिस, बाई फोर्थ हमारा है बाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हम हाइड्रोलाइसिस करके भी बना सकते हैं, जैसे हमारा FeCl3 है, हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है वहन्स सॉल्ट एडेड इनटू वाटर्स, इट गोज बैक इनटू वाटर्स इनटू एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, तो आपका क्या बना देगा एसिड एंड बेस हमारा बन जाएगा। तो इसके अंदर हम ले रहे हैं, देखो हमने क्या करना है, जैसे कोई भी ले लेंगे, मान लिया आपने ले लिया FeCl3, हम ले लेंगे, हमने क्या ले लिया FeCl3 ले लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे वाटर को डाल देंगे, ठीक है ना, तो रिस्पेक्टिव जो भी एसिड से बना है तो हमारा क्या हो जाएगा FeOH3, ठीक है, ये तो हमारा बन जाएगा सोल, प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसके साथ तो क्या आ जाएगा आपका जिसका इसके पार्ट होता है H+ प्लस में OH-, तो OH- के साथ में ये आ जाएगा और इसके साथ में चला जाएगा, तो साथ में हमारा क्या बन जाएगा HCl, ठीक है, ये हमारे मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रो एग्रीगेशन मेथड कहते हैं, कंडेंस मेथड कहते हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, जैसे हमने ईथर को कूलिंग कर दे तो एक्सेसिव कूलिंग मेथड हम यू बोल सकते हैं, तो एक्सेसिव कूलिंग मेथड भी होता है, लेकिन वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई उनसे ऊपर पूछता है, या फिर बाय सोलवेंट एक्सचेंज, सोलवेंट एक्सचेंज करके भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एक्सेसिव कूलिंग करके सोलवेंट एक्सचेंज करके कि कोई पहले सोलवेंट अलग था तो उसमें आपका सस्पेंशन का काम करा था या ट्रू सॉल्यूशन का, अब हमने नया जैसे मैंने एन बताया था आपको NaCl को पहले वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो किसका काम करता है क्रिस्टलाइट का, लेकिन जैसे उसको बेंजीन में डिजोल्व कर देते तो वो किसका काम करता है आपका कोलाइडल का, वाटर के अंदर वो NaCl उसका ट्रू सॉल्यूशन का काम करता है लेकिन बेंजीन के अंदर कोलाइडल का काम करता है, तो इस तरह हम मेथड, लेकिन ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड थे, तो ठीक है।